अजमेर दरगाह के कुछ खादिमों द्वारा हाल ही में दिए गए विवादास्पद और भड़काऊ भाषणों ने लगभग 800 साल पुरानी अजमेर दरगाह की धर्मनिरपेक्ष छवि को धूमिल किया, जिसके चलते यहां आगंतुकों की संख्या कम हुई। इसके बाद स्थिति को बहाल करने के लिए विश्वास बहाली के उपाय शुरू किए गए हैं। भड़काऊ भाषण, इस्लाम का कथित अपमान करने के लिए सिर काटने और नूपुर शर्मा के समर्थन में दरगाह के बाजार में हिंदू दुकानदारों का आर्थिक बहिष्कार के बारे में थे। इसका असर यह हुआ कि दरगाह में आने वाले की संख्या बहुत तेजी से गिरावट हुई। होटल और गेस्ट हाउस में अग्रिम बुकिंग को लोगों ने रद्द करवा दिया। आसपास के इलाकों के बाजारों में भी लोगों की आवाजाही बहुत ही कम हो गई। इसे देखते हुए हितधारकों ने अजमेर में हाल ही में एक सर्वधर्म शांति मोर्चा का आयोजन किया और दरगाह को इस माहौल से अलग रखने की चेतावनी जारी की। दरगाह की धर्मनिरपेक्ष छवि को बनाए रखने के लिए संयुक्त बैठक जैसे विश्वास निर्माण की उपाय शुरू किए गए हैं। ऑल इंडिया सूफी सज्जाद नाशिन परिषद के अध्यक्ष नसीरुद्दीन चिश्ती ने पीटीआई भाषा को बताया कि 17 जून को अजमेर दरगाह के मुख्य द्वार से दिए गए भड़काऊ भाषण से अजमेर दरगाह की पवित्रता को ठेस पहुंची। ये कृत्य अत्यधिक निंदनीय है क्योंकि इस स्थान की एक पवित्रता है और सबको इसे बनाए रखना चाहिए। दरगाह के एक खादिम मुसब्बिर ने कहा, इस तरह के कृत्य के कारण शुरू में दरगाह में लोगों की भीड़ पर असर पड़ा, लेकिन विश्वास बहाली के उपायों से स्थिति में सुधार हो रहा है। दरगाह में दुनिया के कई हिस्सों से कई विदेशी राष्ट्र प्रमुख, राजनेता, राजनायक, मशहूर हस्तियां, व्यापारी लोग आदि अक्सर आते रहते। मौजूदा माहौल पर चिंता जताते हुए अभिनेता रजा मुराद ने कहा कि किसी को भी ऐसा भड़काऊ भाषण देने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए जिसमें हिंसा की बात हो। एक खादिम ने बताया, नियमित रूप से यहां आने वालों की संख्या करीब 30,000 है, लेकिन इसमें काफी गिरावट देखी गई। शुरुआती दिनों में दरगाह सुनसान नजर आती थी, लेकिन इस शुक्रवार के बाद से श्रद्धालुओं की संख्या में थोड़ा बहुत इजाफा दिखाई दे रहा है। भारी भीड़ के साथ पंगलियां दरगाह की ओर जाती हैं और दरगाह के आसपास करीब 10,000 दुकानें, भोजनालय, गेस्ट हाउस और होटल हैं। स्थानीय बाजार संघ के अध्यक्ष और दरगाह बाजार में एक होटल चलाने वाले ने कहा कि इस तरह के विवादास्पद बयानों के कारण बाजार में कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ। होटल में बुकिंग रद्द कर दी गई और आगंतुकों की संख्या में कमी आई है। खादिमों के भाषणों से हर दुकानदार को नुकसान हुआ है। एक अन्य कारोबारी ने कहा, इन भाषणों के कारण लोग और दुकानदार भयभीत हैं और पिछले 15 दिनों में दुकानों में बिक्री में 70-80% की गिरावट हुई है। दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष मुनावर खान ने कहा कि दरगाह कमेटी ने दरगाह में विवादास्पद बयान देने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी जारी की है। उन्होंने कहा, शनिवार को एक संयुक्त बैठक हुई, इसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि दरगाह से जुड़ा कोई भी व्यक्ति ऐसा कुछ भी जारी नहीं करेगा जो ख्वाजा साहब की शिक्षाओं के विपरीत हो और देश की शांति और समृद्धि में बाधा हो। अजमेर के जिला कलेक्टर अंशदीप ने बताया कि मंगलवार को अजमेर में सर्व समाज शांति मार्च निकाला गया था, जिसमें हिंदू और मुस्लिम समाज के विभिन्न समुदायों के धर्मगुरुओं ने भाग लिया। अजमेर पुलिस ने विभिन्न भड़काऊ भाषणों के मामलों में 3 आरोपी खादिमों और 3 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया है। इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।